मिलाई थी जीजा जी। पहले तो मैं करेंसी एक्सचेंज में जाऊंगा, रुपए दे के डॉलर लेता हूँ शगन के लिए। बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी। ऑफ कोर्स हमारे अपने जीजा जी हैं वो अब इंडिया के, तो उनकी बहुत बहुत बधाइयाँ, और ईश्वर करे हमेशा दोनों खुश रहें। और धीरे धीरे शादी हुई है अभी, तो इन्जॉय करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में आके ज़रूर देखें कि यहाँ पे उनको पता नहीं अभी तक कि जीजा का महत्व क्या होता है। उनको पता चला नहीं है, और हम इसे मिलें एक दो बार तो हम बताएंगे कि ये तुम बेनिफिट ले सकते हो, जो तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि शादी से पहले कि ये भी बेनिफिट है। बहुत इज्जत ले सकते हो। इनके साथ तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली में काम कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, हमने डे नाइट एक साथ बहुत काम किया है, तो सब मेरे इतने फेवरेट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो हम इतने कंफर्टेबल हैं। जैसे सुनील ने बताया कि हम लोग आपस में काम करते हुए, जैसे बहुत कई बार एक्टर्स के अंदर ही बहुत राइवलरी होती है, वो चाहते नहीं है कि दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा हो, वो उनकी पंचेस पे ज़्यादा लोग हंसे, लेकिन ये वो फैमिली है जो चाहते हैं कि सब एक अच्छा शो बनाना चाहते हैं। हम सब एक दूसरे को पंचेस देते हैं, हम दूसरे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। और पता नहीं क्यों मेरे को बार बार लगता है कि ये शो बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक्टर्स, एक तो एक्टर्स कमाल हैं, बाकी ये टीम जो राइटर्स की टीम है हमारी वो भी बहुत अच्छी है। उन्होंने पहले भी बहुत हिट शोज़ लिखे हैं और काफ़ी सारे राइटर्स हैं, और इतने में जैसे कॉमेडी में क्या होता है कि अगर आप खुद हंसते हैं एक्टर पढ़ने के बाद, तभी उनको, मेरे को तो लगता है कि लोग हंसेंगे। और मैंने जितनी भी हम लोगों ने 3 एपिसोड्स अभी शूट किए हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था, तो मुझे लगता है कि लोग डेफिनेटली इसे एंजॉय करने वाले हैं। और आपको पता है जीजा और सालियों का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो हर एक इंसान को अच्छा लगता है। आप इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से देखिए, एक बहुत ही शरारती, एक बहुत ही फनी और ऐसा, और हम लोगों का अटखेलियां चलती रहती है। करेक्ट वर्ड। और जिस टीम वर्क की उपासना जी बात कर रही है ना, हमारे दिल्ली में एक काफी फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं केवल अरोड़ा जी, उन्होंने एक बार बोला, हम एक बार किसी कॉलेज के फेस्ट पे गए हुए थे और हम बैक टू बैक ना बाकी फेस्ट में थिएटर करते हुए बैक टू बैक 5 हमारे को एनुअल फेस्ट में बैक टू बैक बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला। एक छठे में पहुंचे तो वहां पे ना हमारे में से कैरेक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, एंड वो हंसता खेलता आया कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इट वॉज लाइक, क्योंकि आज तक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ना, इसलिए प्ले को आज अवार्ड नहीं मिला, बिकॉज यू वॉन्ट टू आउट परफॉर्म दी अदर पीपल। जब तक आप एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, आई थिंक चाहे फिल्म हो, चाहे वो शो हो टीवी पे, चाहे वो थिएटर हो, चाहे घर की बात हो, घर पे भी अगर आप एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तभी आपको जो आपने फैमिली गोल्स हैं आपके वो अचीव हो पाएंगे। क्या टीम की बात हुई है, तो एक बहुत ही अच्छी टीम जो है वो स्प्लिट हो चुकी है, जहां पे एक साइड कपिल के साथ में कीकू है और आपके साथ में उपासना जी है और अली असगर जी है, तो कितना मिस किया आपने जब ये शूट हुआ, आप लोगों की जो एपिसोड हम लोगों ने बहुत अरसा एक साथ काम किया है, और जैसे उपासना जी हैं, अली भाई हैं, कपिल, कीकू, अली, चंदन, हम सब लोग एक टीम का हिस्सा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर एक्टर्स एंड वेरियस अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, कुछ अब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हम एक साथ तो कर नहीं सकते। जैसे मैं फिल्म भी कर रहा हूँ तो उसमें सलमान खान साहब हैं और दूसरे लोग हैं, तो अब मैं उसके अंदर ऑफ कोर्स सबको मिस करूँगा, बट अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। हर प्रोजेक्ट की अपनी बुनियाद है, तो ये एक अलग प्रोजेक्ट है, इसमें अलग लोग होंगे, कुछ लोग कॉमन होंगे, कुछ लोग अनकॉमन होंगे। तो अगर यू नो ऑलरेडी वो लोग वो शो कर रहे हैं, वरना वो यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ कर लेते शो। नहीं यार, कुछ उनके कुछ डेट्स के इशू थे, और जब मुझे पता लगा कि ये शो है कानपुर वाले खुरानास, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब लग तो रहा है अपना ही शो और साथ में लोग भी अपने वाले हैं, तो फिर ऑफ कोर्स जब ये पता चला तो ऑफ कोर्स हम इन कुछ ना कुछ हमने बैठ के जब डेट्स डिस्कस करी तो मेरी वर्कआउट हो रही थी कुछ डेट्स, तो आगे करने का। हाँ, नागपुर वाले रख दे, शोलापुर आने वाले, चंडीगढ़ आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं?
आप लखनऊ से हैं यार, अगली बार जब कोई शो बनाएगा कोई भी टीवी चैनल प्लीज लखनऊ को हाईलाइट कर दे, लखनऊ वाले खान साहब एक नॉर्थ इंडियन फील देने के लिए। हाँ, वैसे ही वो मैच कर रहा था कानपुर और खुराना के से है दोनों के दोनों, इसलिए देखिए शादी मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल शादी करवा रहे हैं, ईश्वर उनको सुखद वैवाहिक जीवन की मैं मनोकामना करता हूँ। हमने बहुत अच्छा काम किया है और अब वो वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं, ईश्वर उन्हें बहुत बहुत खुश रखे, मेरी ये मनोकामना है और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह हंसते रहें और लोगों को हंसाते रहें। बहुत टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट से आजकल अब ये भी शो आ रहा है वो भी शो आ रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जितना ज़्यादा हंसाने वाले लोग होंगे, हंसाने वाले प्रोग्राम होंगे, लोगों का उतना स्ट्रेस कम होगा। ऑडियंस इज ऑलवेज अ विनर, ऑडियंस को हालांकि कॉमेडियंस के बीच में आपस में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन ये जो हंसाने वाले लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, बहुत ज़रूरत है हमारे देश को।